नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 10 मोटरसाइकिल चोरी हो गए थे जिनमें से 4 बरामद कर लिए गए, यानी एक मोटरसाइकिल चोर गिरह को गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे बच्चे शौक पूरा करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल चोरी में मदद करते थे, लेकिन इनमें से चोरी करने वाले आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ गए और इन्हें गिरफ्तार विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ सिंह ने किया। इन लोगों में से एक जिसका नाम अक्षय है, वह छोटे बच्चों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई हुई थी जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे। अक्षय से 4 मोटरसाइकिल फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पल पल भिवानी से अमित शर्मा की विशेष रिपोर्ट। दरअसल भिवानी पुलिस ने एक चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था, वहाँ से 3 युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए। पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उनमें से 2 युवक अचानक फरार हो गए, लेकिन एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए युवक से जब पूछताछ की गई तो वह उसके बारे में नहीं बता पाया कि ये मोटरसाइकिल आखिर किसका है। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, जिसके बाद अक्षय ने पुलिस को बताया कि वह शौक पूरा करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। उन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि न केवल भिवानी शहर बल्कि हिसार जिले से और हांसी से भी उन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी की थी। वहीं DSP वीरेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दशरथ कुमार अपनी टीम के साथ चेकिंग पर था, तभी उन्होंने इस चोर गिरोह को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की 10 वारदातें हुई हैं जिनके बारे में अभी पता लग पाया है, और चोर 4 मोटरसाइकिल इन आरोपियों से बरामद भी कर ली गई हैं। जांच में पता चला है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये पूरा गिरोह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ये बच्चे कहीं से भी मोटरसाइकिल चोरी करके थोड़े दिन चलाने के बाद छोड़ देते थे, और इन सभी के बच्चे जो बच्चे हैं वो उनके माता पिता मजदूरी करते हैं जो सुबह घर से चले जाते थे, और उनके जाने के बाद ये बच्चे दूसरे अमीर घरों के बच्चों की तरह शौक पूरा करते थे, मोटरसाइकिल चोरी कर लेते और उस पर घूमते थे। अब देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट। आइए इस बच्चे से सामने, वो ये सामने आए कि भी उन्होंने करीबन 10 मोटरसाइकिल जो है ना विभिन्न स्थानों से उठाए हैं, और उस संबंध में हमारे भिवानी में भी अभियोग अंकित हैं, हांसी में भी अभियोग अंकित हैं, और जो अन्य बच्चे हैं उनको भी शामिल करके पूछताछ करके जो और मोटरसाइकिल उठाए गए हैं या इन द्वारा कहीं और अगर लिंक है इनके, उस संबंध में पूरी पूछताछ की जाएगी और चोरी किए गए मोटरसाइकिल बरामद किए जाएंगे। छोटी उम्र में चोरी करते थे तो क्या चोरी करना है? अभी तक तो ये ज्ञात हुआ है कि जो बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं वो नाबालिग हैं, एक बच्चा ही बालिग है, और जो छोटे बच्चे इस उम्र में इस टाइप की हरकत करते हैं या तो शौक होता है या एक दूसरे को देख के, जो दूसरे बच्चे हैं अच्छे घरों से बच्चे हैं जब वो बाइक लेके जाते हैं उनके देखा देखी में बच्चे ये करते हैं कि भाई इसके पास में बाइक है तो मैं भी जो है ना बाइक पर चढ़ के जाऊं, और उसी की होड़ में जो है ना ये गलत काम कर रहे हैं। सर कितने समय से सक्रिय के जो भी अभी तथ्य सामने आए हैं वो हमारे करीबन 2-3 महीने के 9वें महीने से स्टार्ट हैं, तो ये लगा लो 5-6 महीने के आसपास की बात होगी, 9वें महीने से 3 महीने वो और 2 महीने ये 5 महीने के आसपास हो चुके हैं इनको। अभी तक तो कोई पूछताछ में ये तथ्य सामने नहीं आया इस बच्चे से, अन्य बच्चों से को लागे पूछताछ करी जाएगी तो उसे अगर कोई और क्राइम होगा तो तथ्य सामने आ सकते हैं। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? नहीं, ये एक लेबर परिवार से संबंध रखते हैं, जो माँ बाप अपने काम पर निकल जाते हैं बच्चे के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते, और वो बच्चा जो है ना सर गलत हरकतें गलत कंपनी में पढ़ के गलत काम करने लग जाता है, वही इन बच्चों के साथ भी होता नज़र आ रहा है। सर ये बच्चे कब चल रही थी कृष्णा चौक के ऊपर कॉलोनी पर, और ट्रैफिक आज के टाइम आज और तो उस टाइम जब बाइक को रुकाने की कोशिश की गई आज, तो ये एक बच्चा जो है ना अक्षय पुत्र घनश्याम ये तो रुक गया पुलिस को देख के, बाकी जो इसके साथ में 2-3 बच्चे थे वो भाग गए। उसके बाद पता लग गया कि भाई ये बाइक तो चोरी की है, सामान्य तौर पर जो चेकिंग चल रही थी उसमें ये खुलासा हुआ। अभी इन बच्चों से पूछताछ करके और जो जो वारदात इन्होंने की है उसमें जो संलिप्तता है इनकी
वो पूर्ण पूछताछ करके मोटरसाइकिल जो इन्हें चोरी किए वो बरामद किए जाएंगे।